और यहाँ देख लीजिए जो भी व्यापारी है अपना अपना मछली को लूट कर रहे हैं। कोई कह रहे हैं हमें चाहिए, देख लीजिए अपना पूरा लूट कर रहे हैं। और अपने से यहाँ से चूज कीजिए, मछली तौलाइए, लेके जाइए और बेचिए। एकदम जिंदा जिंदा मछली यहाँ पे आता है और सब कोई अपना अपना लेके जाते हैं। ऊपर भी आप लोग देख लीजिए, सब कोई व्यापारी लोग खड़ा है, कुछ दुकानदार लोग खड़ा है। और यहाँ पे जो पानी भर रहे हैं मछली को इसी के अंदर डालते हैं। बात किया जाए, यहाँ देख लीजिए पूरा लूट हो रहा है मछली का। सब कोई कह रहे हैं हमें चाहिए। हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोग सोचते होंगे अभी हम कहाँ आ चुके हैं। अभी हम आ चुके हैं दोस्तों पटना का सबसे बड़ा मछली मंडी के अंदर, और यही रास्ता चला जाता है मछली मंडी की ओर। अगर आप लोग को एड्रेस जानना होगा तो हम एड्रेस आप लोगों को बता दें। सबसे पहले आप लोग आइएगा बाजार समिति मेन गेट, वहाँ से आके कोई से भी कहिएगा हमें फल मंडी जाना है, कोई भी बता देंगे। और फल मंडी के पास आके कोई से भी कहिएगा हमें मछली मंडी जाना है तो कोई भी बता देंगे मछली मंडी, क्योंकि फल मंडी के अंदर ही मछली मंडी है। जैसे ही बहादुरपुर थाना के पास आइएगा तो आप लोग वहाँ आकर फल मंडी चारों तरफ आप लोग को दिख जाएगा, और वहाँ पे आके कोई से भी कहिएगा मछली मंडी जाना है, कोई भी बता देंगे। और अभी दोस्तों सुबह का बज रहा है 5, यहाँ देख लीजिए जो भी टोटो जा रहा था उसी पे पूरा सब कोई व्यापारी लोग मछली को लोड करते हैं, ले जाते हैं अपना नियरेस्ट में बेचते हैं। बात किया जाए तो इधर पूरा पिकअप लगा हुआ है, इसी पे पूरा मछली आता है। कुछ मछली पिकअप पे भी आता है, कुछ मछली ट्रक पे भी आता है, और ट्रक भी आप लोग को दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे भी ट्रक लगा हुआ है, आगे में भी पूरा ट्रक लगा हुआ है मछली का। जो दूर दूर से मछली आता है वो ट्रक पे भी आता है, जो लोकल मछली आता है वो पिकअप पे आता है। तो चलिए अंदर चलते हैं, अंदर का पूरा व्यू दिखाते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए और ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली दोस्तों, अक्सर एक तरह से देखा जाए तो शहर के आदमी लगभग अभी समझ जाइए 70-80% आदमी सोए होंगे, लेकिन जो आदमी को बिजनेस करना है, जिनको जुनून है, जो व्यापारी हैं, जो दुकानदार हैं, देख लीजिए अभी पूरा एनर्जी में सब कोई जग चुके हैं। और इतना ठंड के मौसम, कपकपाती मौसम में हम लोग सोचते हैं कैसे बिछावन को छोड़ें। फाइनली दोस्तों हम वीडियो बनाने आ रहे थे तो हम भी सोचे बहुत मुश्किल से उठे, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा है अभी। और यहाँ इन लोग का मेहनत देख के काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि पूरा टाइम पर ये लोग उठ जाते हैं। आंधी हो, पानी हो, बरसात हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ये लोग अपने टाइम पे उठ जाते हैं और अपना बिजनेस करते हैं। कौन सा मछली हो गया? इसमें रेहू है, कतला है, दोनों है। अच्छा, रेहू है, कतला है, पूरा जिंदा है? जिंदा। तो फाइनली दोस्तों देख लीजिए ट्रक पर से पूरा मछली को उतारा जा रहा है, और यहाँ पे सब कोई मतलब ट्रक मंगाते हैं, ट्रक यहीं पे लगता है और यहीं से मछली उतार के अंदर ले जाया जाता है और वहाँ पे बेचते हैं लोग। तो चलिए अंदर गद्दी का व्यू दिखाते हैं। एक नंबर गद्दी यहाँ से स्टार्ट होता है और एंड अंदर जाके होता है। तो एक एक करके सारा चीज हम दिखाते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए। तो फाइनली दोस्तों देख लीजिए एकदम जिंदा जिंदा मछली को निकाला जा रहा है पानी में से, और अंदर में भी मछली है, पूरा इधर भी मछली है, पूरा बल्क में यहाँ पे मछली को निकाल के दिया जाता है। और बात किया जाए सभी जगह से आदमी आते हैं, खरीदारी करके ले जाते हैं। और अंदर में ओनर आप ही हुए नहीं? क्या नाम पड़ेगा आपका? रविंदर सहनी। तो ये आप लोग का कितना नंबर गद्दी हो गया? 59। अच्छा, 59 नंबर गद्दी हो गया। तो फाइनली दोस्तों इधर भी पूरा देख लीजिए मछली को डाल दिया गया है पानी के अंदर। जो भी ट्रक से मछली उतरता है तो ये लोग क्या करते हैं, पहले ही पानी के अंदर ये मछली को डाल देते हैं। सब कोई आते हैं, जो भी दुकानदार लोग हैं, यहीं से मछली को चूज करते हैं और अपना वहाँ पे तौलाते हैं। वहाँ दिखाइए, वहाँ पे उस तरह करके मछली को तौलाते हैं और उसके बाद लेके जाते हैं। नीचे भी देख लीजिए पूरा मछली मछली है, और इधर अंदर मछली का हब है। एक तरह से देखा जाए तो यहाँ सभी जगह से आदमी आते हैं, व्यापारी लोग आते हैं, मछली लेके जाते हैं। तो फाइनली दोस्तों नीचे भी देख लीजिए पूरा मछली, ये बर्फ वाला मछली है। एक तरह से बोला जाए तो आंध्र प्रदेश से ये मछली पूरा आता है। बात किया जाए तो इधर भी मछलियाँ, कुछ रोहू है, इधर एक तरह से देखा जाए तो जासर है, तो मछली यहाँ उधर भी देखा जाए तो कतला है, रोहू है, कतला है। तो यहाँ हर तरह का मछली मिल जाएगा। और अंदर भी आपको चल के दिखाने वाले हैं पूरा मछली, पूरा बल्क में पूरा उतरा हुआ है। और आज शनिवार है दोस्तों, तो आज इतना भीड़ नहीं है। रविवार को अगर हम आते हैं तो यहाँ पे पैर रखने का जगह नहीं रहता, क्योंकि ये पतला सा रोड में पिकअप चला जाता है और पूरा मछली उतरते रहता है, और सब कोई अपना मछली को लेके लोड करवाते हैं गाड़ी पे और फिर बेचने के लिए लेके जाते हैं। चलिए और अंदर का हम व्यू दिखाते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए। तो फाइनली दोस्तों नीचे पानी देके समझ सकते हैं इतना ज्यादा पानी है। इतना ठंड के समय में समझ जाइए पानी के अंदर पैर रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो भी व्यापारी हैं, जो भी दुकानदार हैं, जो भी यहाँ पे मछली को बेच रहे हैं,
सबको यही पानी में, कितना भी ठंड क्यों ना पड़ जाए, यही पानी में रहना पड़ता है। और देख लीजिए अभी हम भी पानी में है, और आगे बढ़ेंगे तो पानी थोड़ा सा और ज्यादा मिलेगा। और यहाँ पे देख लीजिए मोटर के पानी से इसके अंदर पूरा फुल कर रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पे मछली को डाल दिए, और यही मछली को डाल दिए अब ये मछली को ले जाके अपने एरिया में बेचेंगे। फाइनली दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए पूरा यहाँ पे पानी से पूरा भर दिया गया टैंक को, और मछली को डाला जा रहा है। कुछ मछली यहाँ पे भी उतार के डाल रहे हैं मछली को, कुछ मछली को अंदर में भी पूरा डाला जा रहा है, और सभी को जोरों शोरों से मेहनत कर रहे हैं। बात किया जाए तो इधर भी पूरा मछली डला रहा है, उधर भी मछली डला रहा है। ये समझिए ये पटना के बाजार समिति जो एरिया है, बगल में आप लोग मछली मंडी आप लोग को एड्रेस बता चुके हैं, यहाँ मछली का पूरा हब है। यहाँ पे आप लोग आइएगा तो सबसे बड़ा मछली मंडी है बिहार का। तो चलिए कुछ और आगे का व्यू दिखाते हैं। इधर भी देख लीजिए पूरा मछली ही मछली है। आगे भी थोड़ा सा बढ़ेंगे हम तो यहाँ पे आप लोग का हर तरह का मछली मिल जाएगा, जासर मिल जाएगा, कतला मिल जाएगा, और ये मछली का आप लोग साइज देख के समझ सकते हैं, और ये मछली पूरा जिंदा है। और चलिए कुछ और आगे का व्यू दिखाते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए। और देख लीजिए काफी बड़ा बड़ा मछली है, साइज में भी बड़ा है। आप लोग आइए खरीदारी कीजिए। और इधर भी देख लीजिए कुछ इस तरह अंकल जी मतलब पूरा मुड़ी पे तसला को लेके और मछली लेके जाके बेचते हैं, कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। और चलिए कुछ और आगे का व्यू दिखाते हैं। तो यहाँ से देख लीजिए लाइन से पूरा मछली का ही दुकान है, आप लोग जहाँ तक नजर फेर दीजिए पूरा मछली ही मछली बिक रहा है दोस्तों। और यहाँ पे भी देख लीजिए पानी इसलिए भरते हैं लोग मछली जिंदा रहे, एकदम जिंदा जिंदा मछली को यहाँ पे बेचा जाता है। चलिए कुछ और आगे का व्यू दिखाते हैं। कुछ इस तरह मछली को तोला जाता है दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पे समझ जाइए थोड़ा ज्यादा दे दिया जाता है, कम नहीं दिया जाता है। और देख लीजिए सब कोई जोरों शोरों से अपना अपना काम कर रहे हैं। चलिए कुछ और आगे का व्यू दिखाते हैं, तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए। कतला का बचवा है वही तो, जैसा कि दोस्तों यहाँ पे कतला मछली है, अगर ये साइज का मछली आपको लेना होगा तो आप लोग को सुबह में आना होगा, क्योंकि तुरंत माल ये खत्म हो जाता है। अंदर में भी बात किया जाए तो ये लोकल मछली है ना, ये लोकल मछली है। हमको लग रहा है लोकल तालाब में जो पाला गया था या कहीं मार गया है, तालाब तो ये मछली का नाम बता सकते? रेवा। रेवा तो ये बात किया जाए लिमिट समय तक, सुबह तक ही मिलता है, बाद में नहीं मिल पाता है। नहीं, नहीं। तुरंत माल ये निकल जाता है। हाँ। क्या रेट देते हैं ये? 130। ये होलसेल रेट है कि रिटेल रेट? होलसेल रेट 130 है दोस्तों। आप लोग जो भी व्यापारी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आइए खरीदारी कीजिए। ट्रक से जो माल उतरता है तो इसी तरह ले जाया जाता है, अपने अपने दुकान के पास ले जाते हैं लोग और माल को बेचते हैं लोग। बात किया जाए तो चारों तरफ आप लोगों को मछली की मछली दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग आइएगा दोस्तों तो छोटा छोटा मछली यहाँ मिल जाएगा। एक तरह से ये मछली का नाम हमारे ख्याल से रेवा पड़ता है। और आप लोग आइए खरीदारी कीजिए। देखिए पूरा तौल के दिया जाता है कांटा पे, और सब कोई आते हैं ले जाते हैं। ये मछली का नाम बता सकते? कतला मछली। कतला मछली क्या? कतला मछली। कतला मछली लोकल है कि कहाँ से है? ये बड़ा वाला है। तो जिंदा भी रखते हैं कि नहीं? जिंदा भी रखते हैं। कहाँ पे है जिंदा? जिंदा उधर है, 16 लंबा। तो दोनों चीज का व्यवस्था है, लेकिन ये सब मछली है कि तुरंत बिक जाए? 15.5 किलो जाओ जी। तो चलिए दोस्तों कुछ और आगे का व्यू दिखाते हैं। सब अपना अपना बेचने में बिजी है, और आगे चलते हैं, आगे का पूरा व्यू दिखाते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए। आप पे देख लीजिए पूरा बल्क में मछली है, उधर भी सब कोई ले रहे हैं। मतलब इसमें है कि अपने से चूज कीजिए, अपना जाली में डालिए, अपना तौलाइए। हाँ, तो रेट सही लगा देते हैं? रेट सही लगा रही रहा। सही लगा रहा। तो इधर भी देख लीजिए सब कोई मछली को दे रहे हैं, थोड़ा सा उधर दिखा दीजिए। उधर ग्राहक लोग का भीड़ देखे आप लोग समझ ही सकते हैं, काफी ज्यादा क्राउड है। तो इधर भी देख लीजिए दोस्तों पूरा मछली मछली उतरा हुआ, ये लग रहा है हमारे ख्याल से आंध्रा का मछली है। उधर भी देख लीजिए पूरा बर्फ वाला मछली है, और ये छोटा छोटा जो मछली आप देख रहे हैं लिमिट समय के लिए तुरंत बिक जाता है। इधर भी बात किया जाए तो इधर भी मछली है, उधर भी मछली है, और उधर एकदम जिंदा जिंदा तोल के देते हैं लोग और सब कोई लेके जाते हैं। तो यहाँ देख लीजिए दोस्तों इतना बड़ा बिकट मछली है, हमारे ख्याल से ये 10 किलो या 8 किलो है। 10 किलो है, देखिए हमारा पूरा सही है। नहीं अभी तोला कर दिला क्या? अभी तोला तोला कर। 10 किलो राइट। तो यहाँ देख लीजिए 10 किलो का मछली, बिकेट मछली यहाँ पे ये भी मिल जाता है। नहीं तो चलिए दोस्तों कुछ और आगे का, ये लग रहा है बड़ा बड़ा, मतलब कहाँ से आता होगा ये? आसपास पोखर। पोखर में इतना बड़ा मछली निकल जाता है? सही, बड़ा बड़ा पोखर में उतना बड़ा निकल जाता है। तो दोस्तों पोखर में भी इतना बड़ा मछली निकल जाता है, देख लीजिए। तो
फाइनली दोस्तों यहाँ पे भी देख लीजिए कतला मछली इतना बड़ा बड़ा आप लोग देख रहे हैं, समझ जाइए कतला मछली जो होता है करीबन 3 किलो प्लस खाइएगा वो थोड़ा ज्यादा ही बेटर रहता है क्योंकि उसमें कांटा बहुत कम निकलता है। चलिए कुछ और आगे का व्यू दिखाते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए। इधर भी मछली का साइज देख लीजिए, ये हमारे ख्याल से बिकेट मछली है और बिकेट मछली का भी साइज देख लीजिए काफी बड़ा सा है। और यहाँ पे भी एक मछली लेके बैठे हुए, ये कौन सा कतला, तो कितना केजी होगा लगभग? ये 8.5 किलो। 8.5 किलो। बात किया जाए जितना बड़ा कतला का साइज होता है वो खाने में थोड़ा बेस्ट है, उसमें कांटा जो है कम है। 14-15 किलो तक के ठीक रहता है, उसके बाद ठीक नहीं होता। अच्छा, तो ये मतलब 8 किलो है तो बेस्ट है। ये कहाँ से मतलब आता है मछली? गायब से आता है। अच्छा, वहाँ से मतलब ये मछली वहाँ से लाया जाता है। तो फाइनली दोस्तों इधर देख लीजिए पूरा मछली को जिंदा जिंदा लाया जाता है और इसी पानी के अंदर डाला जाता है। देख लीजिए सब कोई जोरों शोरों से मछली को डाल रहे हैं और यहाँ देख लीजिए जो भी व्यापारी है अपना अपना मछली को लूट कर रहे हैं। कोई कह रहे हैं हमें चाहिए हमें चाहिए, देख लीजिए अपना पूरा लूट कर रहे हैं। और अपने से यहाँ से चूज कीजिए मछली, तौलाइए लेके जाइए और बेचिए, एकदम जिंदा जिंदा मछली यहाँ पे आता है और सब कोई अपना अपना लेके जाते हैं। ऊपर भी आप लोग देख लीजिए सब कोई व्यापारी लोग खड़ा है, कुछ दुकानदार लोग खड़ा है और यहाँ पे जो पानी भर रहे हैं मछली को इसी के अंदर डालते हैं। बात किया जाए यहाँ देख लीजिए पूरा लूट हो रहा है मछली का, सब कोई कह रहे हैं हमें चाहिए हमें चाहिए। आइए थोड़ा हम जानना चाहेंगे आप व्यापारी, ये लोग व्यापारी हैं कि कौन है? व्यापारी सब पैकार है, व्यापारी हुआ है, व्यापारी हुआ है, पैकार ही है। हाँ, हम लोग पैकार है, रिटेल शॉप वाला है, हम लोग रिटेल बेचते हैं। तो मछली जिंदा आया सबको ये लूट किया, इसका मतलब क्या हुआ? ये अपना खरीद रहा है बेचने के लिए। अच्छा, जैसे तुरंत आया तुरंत अपना निकाल लिया, निकाल के तोल के वजन कर लिया, तुरंत वजन कर लिया, वजन करेगा छाट के। तो ये जिंदा मछली कहाँ से मंगाते हैं लोग? वो ला है, वो ला है जो पैक करे हुए। जैसा की दोस्तों ऑनर यही हुए, कहाँ से मछली मंगाते हैं? बंगाल से। अच्छा, ये जितना भी मछली है बंगाल से मंगाते हैं? वहाँ तो मतलब पाला जाता है कि मतलब क्या है, नदी से पाला जाता है। तो वहीं से पूरा मछली को मंगाते हैं जिंदा जिंदा मछली और यहाँ पे बेचते हैं। तो यहाँ देख लीजिए दोस्तों ये पूरा पानी किस लिए भरते हैं वो बता सकते हैं? मछली जिंदा रखने के लिए। अच्छा, इससे मछली जिंदा रहेगा ना, एकदम ताजा ताजा पानी डालते हैं और जैसे ही मछली को बाहर से माल आके इसके अंदर डालाता है पूरा व्यापारी लोग लूट मारते हैं, वहाँ पूरा लूट करके अपना अपना तोला रहे हैं और ले जाके अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में बेचेंगे, अपने अपने शहर में बेचेंगे। यहाँ देख लीजिए सब कोई जोरों शोरों से मेहनत कर रहे हैं, यहाँ जाली के अंदर देख लीजिए पूरा मछली ही मछली है, वहाँ जैसे ही मछली आया देख लीजिए पूरा लूट हो गया। देख लीजिए किस तरह लूट कर रहे हैं लोग दोस्तों, अपना अपना मछली निकाल के बेचेंगे। तो यहाँ पे आप लोग आइए दोस्तों तो नैनी भी मिल जाएगा और यहाँ देख लीजिए पानी में पूरा चल रहा है, वहाँ पे देख लीजिए पूरा पानी को भरा जा रहा है, मछली उससे जिंदा रहे और सब कोई जोरों शोरों से मेहनत कर रहे हैं, सभी व्यापारी लोग आए हैं खरीदारी करने के लिए। और चलिए कुछ और आगे का व्यू दिखाते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए। तो जैसा कि दोस्तों इधर भी देख लीजिए मछली ही मछली है, एकदम जिंदा जिंदा मछली यहाँ पे है। और बात किया जाए यहाँ पे भी सर जी पूरा बिजी है और यहाँ पे भी जो पानी भरा गया है मछली को निकाल के इसी के अंदर डाला जाएगा और सभी कोई आते हैं खरीदारी करते हैं और इसी पे तौल के दिया जाता है। देख लीजिए किलो तराजू सामने है, इसी पे मछली को तोला जाता है, दिया जाता है और सभी व्यापारी लोग यहाँ से मछली खरीद के ले जाके अपने गांव शहर में बिजनेस करते हैं। दोस्तों मछली मंडी गद्दी के ओनर ये हुए, कितना नंबर गद्दी शॉप आपका? 17 नंबर गंगा फिश। अच्छा, गंगा फिश 17 नंबर गद्दी आपका? हाँ। कितना साल से आप ये बिजनेस कर रहे हैं? ये तो लगभग मेरा 1965 से बिजनेस है, तीसरी पीढ़ी है। 1965 से है, पहले दादा करते हूँ। हाँ, पहले दादा। पापा की है? पापा नहीं आए, फिर उसके बाद हम लोग आ गए। उसके बाद आप? हाँ, हम लोग आए तो यहाँ जिंदा मछली का उस समय पहले कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो हर किसान से मिलके और यहाँ पर जिंदा मछली का जो ट्रेड है वो शुरू किए, तो आज लगभग पूरे बिहार में किसान को बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है जिंदा मछली के कारण। हमारे ख्याल से आंध्रा से मछली आता हो? नहीं, आंध्रा से भी पहले तो भाई ट्रेन आती थी, आंध्रा बाद में आई है और आंध्रा के बाद तब यहाँ लगा कि भाई उत्तर बिहार में चौर में बहुत सारा मछली का उपज है तो क्यों ना उसको मार्केट सही मार्केट दिया जाए और जिंदा का रेट यहाँ अच्छा मिल जाता था, तो उस समय स्टार्टिंग किए, स्टार्टिंग में तो बहुत परेशानी हुई लेकिन अब एक ट्रेंड बन गया है जो यहाँ पूरा ऐसा ही तोल के दिया जाता है ना। हाँ, जाली देख लीजिए दोस्तों, इसी जाली में सब कोई ले जाते हैं और मछली को बेचा करते हैं। बात किया जाए सुबह में कितना बजे ओपन हो जाता है? 4 बजे से बिक्री शुरू हो जाती है, माल आना तो शुरू हो जाता है लगभग
मैंने 12 बजे रात के बाद 4 बजे से बिक्री शुरू होती है। यानी रात को 12 बजे से 4 बजे के बीच में आप लोग मछली लोड लोड करते हैं? हाँ, सही करते हैं। हाँ, कितना बजे सुबह तक बेचते हैं? सुबह में जब तक जितना जल्दी बिक जा चुकी जिंदा मछली है, ज्यादा देर तक इसको हम लोग स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, इसलिए जितना जल्दी बिक जाए। होटल रेस्टोरेंट में ऑर्डर लेते हैं कि नहीं? कभी कभी ले जाते हैं लोग कि नहीं? होटल रेस्टोरेंट ले जाते हैं, ले जाते हैं, ले जाते हैं, ले जाते हैं। मान के चलिए जो भी मैरिज हॉल में पार्टी फंक्शन शादी वादी पड़ गया, हाँ, वो भी लोग आके ले जाते हैं? हाँ, वो लोग भी आते हैं जो जिंदा मछली के शौक रखते हैं, वो आके ले जाते हैं। तो आप लोग आइए दोस्तों, खरीदारी कीजिए, ये इनका व्यवहार भी काफी अच्छा है। रेट सही लगा दीजिएगा ना, जो भी वीडियो के माध्यम से। अरे आए, वो आपके नाम पर 10 रुपया कम आएगा। फाइनली दोस्तों, यहाँ पे मछली भी कटिंग होता है, बात किया जाए, कितना रुपए लेते हैं मछली कटिंग का? सर हम लोग पढ़ लिख के बहुत मजबूरी में, बहुत ठंडा में हम लोग मछली काट रहे हैं, 10 रुपए किलो काट रहे हैं। मात्र 10 रुपए लेते हैं? 10 रुपए किलो। मछली कितना भी बड़ा है? नहीं, 10 रुपए केजी बनता है। बहुत ठंड लगता है, ठंड में बहुत कष्ट से 2 पैसा कमाते हैं। यानी जितना बड़ा मछली रहता है उस तरह से रेट? हाँ हाँ सर, छोटा मछली के ज्यादा लगता है, बड़ा मछली के कम लगता है। छोटा में थोड़ा टाइम लगता है? छोटा में बहुत टाइम लगता है, इसीलिए उसको 2 पैसा ज्यादा लेते हैं। इस पूरा कैसा लगा दोस्तों आज का ब्लॉग? ब्लॉग अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और अच्छा अच्छा ब्लॉग के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, यही जगह का भी ब्लॉग बना दीजिए। फाइनली हम उस जगह का ब्लॉग बना देंगे, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, प्यार करते हैं आप, समझ रहे हैं, स्वस्थ रहे, एक चीज़ कहना हम भूलिए। अगर आप भी लोग पटना के मछली मंडी के अंदर आना चाहते हैं तो आप लोग को एड्रेस शुरू में ही बता चुके हैं, फल मंडी आइएगा, मछली मंडी कोई से भी पूछिएगा, कोई भी बता देंगे। यहाँ पे आप लोग आइएगा तो जिंदा मछली हो गया, मुर्दा मछली हो गया, सारा तरह का मछली यहाँ मिल जाएगा, बड़ा से छोटा तक। बात किया जाए, जो भी आदमी व्यापारी लोग बिजनेस करना चाहते हैं, जल्द से जल्द आइए और मछली खरीदारी कीजिए। यहाँ अच्छा से अच्छा आप लोगों को रेट लग जाएगा और अच्छा से अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। और रिटेल वाले आदमी जो भी आना चाहते हैं तो सुबह के 6 बजे के बाद ही आइएगा, क्योंकि सुबह में भोर में सभी दुकानदार लोग आते हैं और ये लोग पूरा बिजी रहते हैं दुकानदार लोग से ही, तो आप लोग को ध्यान नहीं दे पाएंगे। अब बाद में 7 बजे 8 बजे आइएगा, उसमें माल थोड़ा बहुत बच गया तब आप लोग को दे सकते हैं। तो चलिए, अपने छोटे भाई को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।